हिंदू महिला के संपत्ति उत्तराधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विधवा महिला अपने मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को अपनी संपत्ति दे सकती है। संपत्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। इसी का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला का मायका पक्ष भी उसके परिवार का हिस्सा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत किसी भी हिंदू विवाहिता के मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को अजनबी नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि मायके वाले भी महिला के परिवार का ही हिस्सा माने जाएंगे। इसलिए कोई भी विधवा महिला अपनी संपत्ति उन्हें सौंप सकती है और ऐसा करना कानून की नजरों में गलत नहीं माना जाएगा। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने गुड़गांव के एक परिवार के मामले में ये फैसला सुनाया है। पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये मामला गुड़गांव के बाजिदपुर तहसील के गढ़ी गांव का है। गढ़ी गांव में बदलू के पास खेती की जमीन थी। बदलू के दो बेटे थे, बालीराम और शेर सिंह। शेर सिंह की 1953 में मृत्यु हो गई और उसके कोई संतान नहीं थी। शेर सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी जगनो को उसके हिस्से की आधी जमीन मिली। जगनो ने अपने हिस्से की जमीन को अपने भाई के बेटों के नाम कर दिया था। जगनो के भाई के बेटों ने अपनी बुआ से पारिवारिक समझौते में मिली जमीन पर दावे का कोर्ट में सूट फाइल किया। इस पर अदालत ने 19 अगस्त 1991 को उनके पक्ष में फैसला भी सुना दिया था। इसके बाद महिला के देवर के बच्चों ने इस बात का विरोध करते हुए अदालतों में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से 19 अगस्त 1991 का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक समझौते में बाहरी लोगों को परिवार की जमीन नहीं दी जा सकती। अगर जगनो ने भाई के बेटों को जमीन दी है तो उसे रजिस्टर कराया जाना चाहिए था, क्योंकि जगनो के भाई के बेटे जगनो के परिवार का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। जिसके बाद निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट में भी ये मामला खारिज हो गया। फिर जगनो के देवर के बेटों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी महिला के देवर के बच्चों की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(d) में महिला अपने पिता के उत्तराधिकारियों को महिला के संपत्ति के उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। इसी प्रावधान के तहत पहले निचली अदालत ने और फिर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों अदालतों का फैसला बिल्कुल ठीक था, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले में दखल का कोई कारण नहीं बनता। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।